भाजपा सरकार में मंत्री रहे दारा सिंह चौहान सपा में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि भाजपा पिछड़े समाज के लोगों का आरक्षण खत्म कर रही है और उनका हक मार रही है। कानपुर पुलिस कमिश्नर के पद से ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद पूर्व आईपीएस असीम अरुण रविवार को बीजेपी में शामिल हुए। उन्हें कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई डॉक्टर मनोहर सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। बताया जाता है कि चुनाव लड़ने के लिए हाल ही में उन्होंने सरकारी नौकरी से वीआरएस लिया था, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बाद अब एआईएमआईएम ने भी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने अभी 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। गोवा के लिए आम आदमी पार्टी ने बड़ा चुनावी वादा किया है। चुनाव प्रचार करने के लिए गोवा पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर गोवा में उनकी सरकार बनती है तो हर युवा को ये रोजगार देंगे। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,71,202 नए मामले सामने आए हैं और 314 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 1,38,331 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने रविवार को 7 राज्यों में भीषण ठंड पड़ने का अनुमान जताया है। विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली समेत मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी अगले 2 दिनों तक भीषण शीतलहर की स्थिति रहेगी। यूपी में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी स्कूल कॉलेज 23 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान के 1 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन यानी 16 जनवरी 2021 को देश में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाए जाने की शुरुआत हुई थी। इसके बाद कोरोना टीका दिए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी का धन्यवाद किया है और उन्होंने कहा कि अभियान से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को सलाम है। गणतंत्र दिवस से पूर्व देश के 3 राज्यों में दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पंजाब में मिले विस्फोटक को आतंकियों की करतूत माना जा रहा है। जांच करते हुए पुलिस को गाजीपुर मंडी में आए कुछ संदिग्ध लड़कों की तलाश है। इनकी तलाश में स्पेशल सेल की टीम ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब में छापेमारी शुरू कर दी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।